सरस्वती कॉलोनी के पास सड़क पर जल जमाव से सैकड़ों गांव एवं मोहल्ले के यात्री जल जमाव में होकर गुजरने को है मजबूर। हम आपको बता दें कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 के सरस्वती कॉलोनी के पास सड़क पर जल जमाव के कारण सैकड़ों गांव एवं मोहल्ले के लोग जल जमाव से होकर गुजरने को मजबूर हैं। बता दें कि हिलसा रेलवे स्टेशन के पश्चिम जेल के पीछे से मात्र एक रास्ता जाता है, जहाँ सैकड़ों गाँव एवं मोहल्ले के लोग इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पास में हिलसा व्यवहार न्यायालय, हिलसा अधिवक्ता संघ, हिलसा कातिब संघ, अनुमंडलीय कार्यालय, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा जेल समेत बड़े बड़े आला अधिकारियों के कार्यालय है, और इसी रास्ते से लोग को जाना पड़ता है, जहां एक ओर भीषण गर्मी तो दूसरी ओर घरों का बहने वाले गंदे पानी से जल जमाव हो गया है, जो कि नगर परिषद का पोल खोलकर रख दिया है। पानी निकास का कोई ठोस पहल नगर परिषद के द्वारा नहीं किया गया है। स्थानीय मोहल्लावासी का कहना है कि इस विषय पर दर्जनों बार लिखित सूचना हिलसा नगर परिषद समेत कई जनप्रतिनिधियों को दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस निराकरण नहीं किया गया है। उसका कारण है कि भीषण गर्मी में भी घर से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर जल जमाव हो गया है, और इसी गंदे जल जमाव पानी से लोगों को गुजरना पड़ता है। इस विषय पर कार्यपालक पदाधिकारी को फोन किया गया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाया है। सर, सरस्वती कॉलोनी, ये जल जमाव है, सड़कों पर आने जाने में समस्या हो रही है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग सिविल कोर्ट हिलसा में अधिवक्ता हैं, आने जाने में काफी परेशानी होती है। नगर परिषद के चेयरमैन जो अभी नए नए जीते हैं, उनको इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। घरों का पानी है सब, तो घरों का पानी है तो घर वाला अगल बगल के लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि राहगीरों को परेशान ना करें।